नमस्ते दोस्तों, पोएट्रोजिक पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ बात करेंगे कामायनी की। बहुत सारे दोस्तों ने, मित्रों ने मुझसे ये कहा कि जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी पर मुझे सर्ग दर सर्ग चर्चा करनी चाहिए। तो मैंने सोचा प्रथम सर्ग से आज शुरुआत करते हैं और फिर देखते हैं यात्रा हमें कहाँ तक ले जाती है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की सबसे चर्चित रचनाओं में से एक है और कामायनी की विषय वस्तु है मनु की कहानी। हम सब जानते हैं कि मनु ऐतिहासिक पुरुष थे। कहते हैं कि वो सृष्टि के पहले मानव थे, उन्हीं से ही मानव समाज शुरू हुआ। और पुस्तक का संदर्भ ये है कि अभी अभी प्रलय होकर के चुकी है, संपूर्ण सृष्टि जल से प्लावित है, जल में डूबी हुई है और मनु के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो मानव समाज का पुनर्निर्माण करें और वो इस मार्ग पर अग्रसर होते हैं। राह में उन्हें श्रद्धा मिलती है जो उनकी संगनी बनती है और दोनों इस यात्रा को साथ में करना चाहते हैं। लेकिन कामायनी इन दो पात्रों पर ख़त्म नहीं होती। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है कामायनी में, जिसका नाम है ईढ़ा। मनु और श्रद्धा कुछ कारणों के चलते एक दूसरे के साथ नहीं रहते और मनु के जीवन में जो दूसरी नारी आती है उनका नाम है श्रद्धा। यहाँ पर जाकर के कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो मनु के पात्र को उन पात्रों से अलग करती है जो दूसरी सभ्यताओं ने भी अपने साहित्य में लिए हैं। अगर मैं पाश्चात्य सभ्यता में देखूँ तो जो पात्र मनु के सबसे नज़दीक आता है वो है फॉस्ट का। क्रिस्टोफर मार्लो ने फॉस्ट पर काव्य लिखा है और जे डब्ल्यू गेटे, उन्होंने भी फॉस्ट पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य लिखा है। बट देयर इज अ सेमाइनल डिफरेंस बिटवीन द फिगर ऑफ फॉस्ट इन वेस्टर्न फिलोसफी एंड द फिगर ऑफ मनु इन द इंडियन फिलोसफी। मनु भारतीय साहित्य के भी बहुचर्चित एक पात्र रहे हैं। बहुत सारे कवियों ने उन पर, बहुत सारे साहित्यकारों ने उन पर टीका टिप्पणी की है, लिखा है। और देखिए फर्क ईढ़ा से क्यों आता है कि जो नारी की भूमिका है पुरुष के जीवन में वो फॉस्ट की कहानी में सीमित है, लेकिन मनु की कहानी में उसे एक विस्तृत रूप दिया गया है। नारी न सिर्फ पुरुष की वो संगनी है जो उसका उसकी घर गृहस्थी संभालती है, परंतु ईढ़ा के रूप में नारी उसकी मार्ग प्रदर्शिका है। देयर इज अ नोशन ऑफ फ्रेंड फिलोसोफर गाइड टू द वुमन। It is Ida who basically takes Manu from a crossroad that he has come to his life to a level where he shall now explore a newer dimension to his existence. The basic similarity between the figure of Faust and the figure of Manu and why I draw this parallel here is ke agar aap Faust ki kahani dekhe to Faust has reached the end of his exploration. He is a scientist, he is a philosopher, he is a linguist, and he has perhaps achieved everything possible by humankind, and yet he feels he does not have the final answer to the riddle of this world, to the riddle of existence. और मनु की कहानी ये है कि वो मानव समाज की पुनर्स्थापना तो करते हैं, लेकिन जब वो समाज पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो मनु को लगता है कि मैं तो इसका सर्जक हूँ, मैं ही इसका निर्माता हूँ, तो फिर इस पर मेरा आधिपत्य है, मेरा निर्बाध अधिकार है। और यहाँ निर्बाध अधिकार इन दोनों कहानियों को जोड़ता है। फॉस्ट भी जीवन का अंतिम सत्य जान लेना चाहते हैं, सृष्टि का अंतिम सत्य जान लेना चाहते हैं, और मनु भी ये चाहते हैं कि उन्हें निर्बाध अधिकार आज सृष्टि पर मिल जाए। और वहाँ फॉस्ट तो ही साइंस अ पैक्ट विद द डेविल टू टेक हिम टू द अदर साइड ऑफ थिंग्स, टू मेक हिम सी रियलिटी फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट इन विच टू विच ही हैज नॉट बीन एक्सपोज्ड इन हिज परसूट्स। पर मनु के लिए वो पात्र अदा करती हैं ईढ़ा, जो उनसे कहती हैं, बड़ी खूबसूरत पंक्ति जयशंकर जी ने लिखी है, हाय प्रजापति, ये ना हुआ है, कभी ना होगा, निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा, क्षितिज पटी को उठा बढ़ो ब्रह्मांड विवर में, गुंजरित घन नाद सुनो इस विश्व कुहर में, ताल ताल पर चलो नहीं लय टूटे जिसमें, तुम न विरोधी स्वर छेड़ो अनजाने इसमें। वो मनु को इस बात से विज्ञ कराती है, मनु अनुभिज्ञ है अब तक कि देखिए अगर आप निर्वाध अधिकार की बात करते हैं तो आप ऐसा स्वर छेड़ रहे हैं जो सृष्टि के प्रतिकूल है और आपको तो सृष्टि से सम होना है। तो ये विषय वस्तु कामायनी की है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ 30 जनवरी 1890 में वाराणसी में
और उन्होंने कामायनी नाम का ये काव्य लिखा। अब हम इसका प्रथम सर्ग शुरू करते हैं। प्रथम सर्ग का नाम है चिंता। मैंने कामायनी पर पहला एक वीडियो किया है, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स के पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने चिंता की जो अवधारणा है जयशंकर प्रसाद जी की, उस पर चर्चा की है। यहाँ चिंता के मानी उससे नहीं है जो आपको इतना फिक्रमंद कर दे कि आप काम ना कर सके। चिंता के मानी है कि आप सम नहीं है। क्यों सम नहीं है? क्योंकि आप कोई लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति में आप इतने रत हैं कि आपका मन मस्तिष्क स्थिर नहीं है। वो बार बार इस चिंता में है कि किस तरह आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, किस तरह अपने मार्ग पर आप अग्रसर होंगे और किस तरह आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो पहले सर्ग को वो नाम देते हैं चिंता। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि परिस्थिति ये है कि एक जल प्लावन हुआ है, संपूर्ण सृष्टि जल के नीचे डूब गई है और अब धीरे धीरे वो जल उतर रहा है और मनु देखते हैं कि सिर्फ वो ही बचे हैं और उन्हें पुनर्निर्माण का कार्य उसकी शुरुआत करनी है। चिंता। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन। नीचे जल था ऊपर हिम था, जिस उत्तुंग शिखर पर वो बैठे हैं वो बर्फ से ढका हुआ है, हिम बर्फ को कहते हैं। ऊपर हिम था एक सघन और एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो दोनों तरफ पानी ही था, नीचे पानी प्रलय के रूप में बह रहा था और मनु एक बर्फ से छाए हुए घिरे हुए पहाड़ पर बैठे हैं। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। देखिए कितना खूबसूरत रूपक यहाँ कवि ने दिया है कि जब हम स्तब्ध होते हैं तो पहली बात तो यह कि हम चालायमान नहीं होते। स्तब्ध इज टू बी शॉक्ड, टू बी नम्ब्ड। तो कोई भी परिस्थिति में आप में डायनामिज्म नहीं है। आपको इतना बड़ा शॉक लगा है कि आप ठठक करके खड़े हो गए हैं। तो बर्फ का जमना और उस स्तब्धता के बीच में कवि ने रूपक चुना है। और दूसरी चीज जिसके लिए वो ये रूपक चुनते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम। जब आप स्तब्ध होते हैं, शॉक्ड होते हैं, कुछ नहीं कर पाते उस परिस्थिति में, हर तरफ से आपको लगता है जैसे आपको निराशा प्राप्त हो रही है। आपकी नजर दूर दूर तक जाती है पर कहीं कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होता। और यही बात एक हिम से ढके हुए बहुत विस्तृत से लैंडस्केप के बारे में आप सोचिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि कवि ने यह रूपक यहाँ क्यों प्रयोग किया है। तो वो कहते हैं, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। नीरवता सी शिला, सब कुछ बिल्कुल शांत था, एक स्वर भी सुनाई नहीं पड़ रहा था, बस बार बार आकर के जोर से पवन जो है वो शिला से टकरा रही थी। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर शमशान। और तरुण के मानी है कि मनु की उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, वो अपनी जवानी में थे और वहां बैठे हैं तपस्वी की तरह। और जो सुर उन्होंने लगाया है वो शमशानी स्वर है। क्यों? क्योंकि सब तरफ मृत्यु का नाच है, मृत्यु का नृत्य है, जो चारों तरफ वो देख रहे हैं। सृष्टि में कुछ भी बाकी नहीं रहा है तो वो सुर शमशान को है साध रहे हैं। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। और नीचे वो लहरें जैसे जोर जोर से कोई रो रहा हो, इस तरह से दुख से पीड़ित कोई व्यक्ति बार बार आकर के शिला से टकराए और वापस जाए, इस तरह लहरों का स्वर उन्हें सुनाई दे रहा था। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। अब हिमालय की बात हो, बर्फ ढके पहाड़ों की बात हो और देवदार वृक्षों की बात ना आए, ये तो हो नहीं सकता। तो उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, हुए हिमधवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अगर आपने देवदार के वृक्षों को बहुत हिम आच्छादित संदर्भों में देखा है जहां बर्फ उन पर पड़ी हुई हो और बहुत ठंड का मौसम हो, तो ऐसा लगता है कि वो एकदम स्थिर हो गए हैं। जरा से भी उनके पत्ते नहीं हिलते, वो नहीं हिलते, बर्फ ने जैसे उन्हें शिला में परिवर्तित कर दिया है। तो यहाँ कवि उस संदर्भ की और ज्यादा व्याख्या कर रहा है कि देवदारु उस तरह खड़े थे जैसे कि हिम ने उन्हें पत्थर बना दिया हो। अब देखिए तपस्वी की वो आगे चर्चा करते हैं, मनु की बात करते हैं। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, अवयव उनके अंग,
उनके अंगों की जो मांसपेशियां थी वो बहुत दृढ़ लग रही थी, सुदृढ़ लग रही थी। ऊर्जित था, वीर्य अपार, ऊर्जा से भरा हुआ उनका शरीर था। स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार, और उनकी शिराएं फूल करके उनकी मांसपेशियों से बाहर नजर आ रही थी और ऐसा लगता था कि उसमें स्वस्थ रक्त का संचार हो रहा है। मनु का यौवन अपने चरम पर था और इस यौवन को शब्दों में ढालने के लिए कवि ने यहाँ ये कहा है कि स्वीत शिराएं, स्वीत मतलब उठी हुई, बाहर निकली हुई शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिनमें ओतप्रोत। अब पौरुष और यौवन तो उनमें बहुत था किंतु वो अभी चिंता कातर था, वो चिंता मग्न था क्योंकि कोई मार्ग सामने नजर नहीं आ रहा था जिस पर उद्यत होकर के इस सृष्टि का पुनर्निर्माण किया जा सके, और इस वक्त मनु का हृदय बहुत ही उथल पुथल में था। उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। उपेक्षामय यौवन, यहाँ दो तरह से आप उपेक्षा को देख सकते हैं। एक ये कि यौवन की संपूर्ण ऊर्जा शरीर में भरी हुई है लेकिन करने को कुछ नहीं है, तो उस यौवन की उपेक्षा हो रही है। और दूसरा ये कि जब कोई आपको मार्ग नजर नहीं आ रहा और आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि वो यौवन ही आपका मजाक उड़ा रहा है कि देखिए कोई मार्ग चलने को नहीं है, यूर ऑल सेट एंड देयर इज नोवेयर टू गो। तो यहाँ पर कवि इस्तेमाल करते हैं शब्द का उपेक्षामय यौवन। बंधी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही। अब वहां तक हम पहुंच जाते हैं कि अब जल धीरे धीरे उतर रहा है, तो नौका जो महाबट से बंधी हुई थी अब सूखी पृथ्वी पर आ गई है। उतर चला था वह जल प्लावन, धीरे धीरे जल उतर रहा था और निकलने लगी मही। सृष्टि बाहर आकर के अपनी वेदना कहने का प्रयास कर रही हो कि देखिए मुझ पर कितना बड़ा एक ये प्रलय का प्रहार आया था और अब उस पर से निकल करके मैं बाहर आ रही हूँ, और सुनने सुनाने को कोई था ही नहीं, प्रकृति अकेली ही कह रही थी और अकेली ही सुन रही थी। तो प्रथम सर्ग यहाँ शुरू होता है, और जैसा कि आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद वर्णन में बहुत गहराई तक उतर जाते हैं, छायावाद के कवि हैं वो, और छायावाद को अंग्रेजी कविता में रोमांटिक पोएट्री कहते हैं। रोमांस के मानी सिर्फ ये नहीं है कि एक पुरुष और नारी के रोमांस की बात हो रही है, पर कवि अपनी काव्य वस्तु के साथ, अपनी विषय वस्तु के साथ इतने प्यार में पड़ जाता है कि उसका संपृक्त वर्णन करना चाहता है, उसका हर पहलू से, उसके हर चरित्र के हर हिस्से को आपके सामने ला करके रख देना चाहता है। तो कामायनी की इस यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। आप हमारे और वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि अब इस काव्य को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, तो ये यात्रा बहुत ही मीठी रहेगी आप लोगों के साथ। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आप इस तरह के वीडियोस के बारे में या पोएट्रोसिक के विषय में और जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट देखें www.pratyancha.in, और आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं pratyancha@gmail.com पर। नमस्ते।